जैसे ही ब्रेकअप होता है ना, अब देखो जब तक तुम साथ थे, एक दूसरे को नजदीक से देखा है, आप एक दूसरे की अच्छी बातें जानते हो तो एक दूसरे की बुरी बातें भी जानते हो, एक दूसरे के सीक्रेट्स भी जानते हो। पंगा ये हो जाता है कि जब ब्रेकअप होता है, देखो दुख की बात, पंगा ये हो जाता है कि जब ब्रेकअप होता है तो सीक्रेट जानते हो, तो अब ब्रेकअप होने के बाद वो सीक्रेट लोगों को बताना शुरू करते हो कि वो तो ऐसे करता है, वो तो वैसे करता है, सीक्रेट्स बाहर निकलने लगते हैं। दैट इज द वर्स्ट थिंग। इसका मतलब आपने उससे कभी प्यार किया ही, ये झूठा प्यार था, आपको निभाना आता ही नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं, एक्चुअल में प्यार का तभी पता लगता है जब आप ब्रेकअप के बाद आप उसके साथ कैसे बिहेव करते हो ना, आप तब सच में समझ पाते हो कि क्या आप सच में उससे प्यार करते थे या ऐसे टाइम पास था। और पता है उसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, अगर आपने ब्रेकअप के बाद उसकी बुराइयां करनी शुरू कर दी, जैसा कि बहुत बार होता है, वो ऐसा था, वो वैसा था, है ना, बहुत लोग ऐसा करते हैं और उनकी सीक्रेट्स बाहर निकालना शुरू करते थे। यार यार आपको यकीन करके किसी ने सीक्रेट्स बताए, है ना, और जैसे ही ब्रेकअप हुआ आपने उस सीक्रेट्स को आउट कर दिया, उसको बदनाम कर दिया, ऐसा बहुत बार होता है और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ। अच्छा कुछ प्राइवेट वीडियोस थी वो बाहर निकाल दी, प्राइवेट लेटर्स थे वो बाहर निकाल दिए, समझ रहे हो, तो आपको प्यार नहीं था, समझ रहे हो। और उसके बाद तो मतलब इतनी बुरी हालत हो जाती कि आप एक मजाक का पात्र बन जाते हो सामने वाले के लिए, वो सिर्फ मजे ले रहे हैं, लोगों को सिर्फ मजा चाहिए। आपने क्या किया, उनको मजा दिया, आपका ब्रेकअप आपके लिए ब्रेकअप था, और उसके बाद जब आपने सीक्रेट बाहर डाल दिए तो लोग उसके मजे ले रहे हैं और कुछ नहीं।